So, well, hey guys, namaste. Welcome to Krisha Grinchy Nakumat Sailor here. So guys, first of all, happy Navratri to all of you. और हमारे घर पे भी जो है गर्मी स्थापित होती है एवरी ईयर एंड 9 days के लिए. इसी दिन जो है गर्मी का विसर्जन हो जाता है. सो अभी बहुत सारी डेकोरेशन एंड ऑल बाकी है. इफ़ ये वीडियो एडिट करने के टाइम तक हो गया होगा तो मैं डेफिनेटली पिक्चर्स लगा दूंगी, और इफ़ नहीं हुआ होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगी. और नवरात्रि की वजह से मुझे पता है बहुत सारे कस्टमर्स बिजी हो गए, माता जी के फास्ट हो गए सबके, इसके लिए क्ले नहीं खा रहे होंगे, ठीक है, आई नो दैट. और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. कितने लोगों को गरबा और डांडिया खेलने आता है ज़रूर बताना. मेरा तो मोस्ट फेवरेट है, बट इस साल हम लोग नहीं खेलने वाले, ठीक है, यू नो द रीज़न. यार पापा के बिना क्या ही अच्छा लगता है. चलो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो. ये ना रेड बटर डे है ना येलो बटर डे है, ये पिंक बटर डे है, ठीक है. ये न्यू स्टॉक था पिंक बटर डे का. देखो कैसे मस्त मस्त चंक है इसमें, बहुत मस्त चंक है. और ये रेड और येलो बटर डे से काफ़ी अलग भी है टेस्ट में, ठीक है. रेड और येलो बटर डे जो है हमारी वो सबसे हार्ड और क्रंची है, और हर वीडियो में ही मैंने बताया है. तो आप लोग वीडियो देखते हो, टेस्ट देखते हो, तभी आते हो ना लेने, है ना, कि ऐसी बस बाय कर लेते हो देख के. तो ये देखो, ये है पिंक बटर ग्रे, और ग्रे है इट मीन्स ग्रे कलर साथ में दिया है, और इसमें जो मिक्स आया है मैंने वैसे ही रखा है, इसको मैं सॉर्टिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है. जो मुझे पिंक बटर ग्रे में मेरे सप्लायर ने भेजा है वही चीज़ दे रही हूँ. इसका भी नॉर्मल रेट ही है, कोई अलग रेट नहीं रखा है मैंने, ठीक है. देखो इस तरह के चंक है इसमें, कितने मस्त है ना. हाँ, अगर मैं ये चंक दिखा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप ऑर्डर करोगे तो सिर्फ बोलोगे कि मुझे पिंक पिंक ढूंढ के दो, ऐसा नहीं होगा. टेस्ट सबका सेम ही आ रहा है, भले ये ऐसा चंक दिया हो या ऐसा चंक दिया हो. इसमें जो चंक दिए हैं ना, आई थिंक सो, उसके टेस्ट अलग है. अब ये तो लकड़ी लग रही है मुझे, ये क्या है, और ये अभी क्लीन भी नहीं हुआ है, वो क्ले ही था एक्चुअली. इसका क्रंची है ना, इसकी वजह से वॉइस थोड़ा खनकने वाला वॉइस है, ठीक है. तो इस तरह का है, दिस इज पिंक बटर ग्रे. रेड और येलो बटर ग्रे से थोड़ा कम क्रंची है, मतलब कम हार्ड है, सॉरी, क्रंची तो है कम हार्ड है, और अर्थीनेस इसमें फील होती है, गमीनेस बिल्कुल भी नहीं लगती है, ठीक है. तो ये है अपना पिंक बटर ग्रे, कौन सा, पिंक बटर ग्रे, ठीक है. लोग बोल रहे थे स्टॉक दिखाओ, इसलिए मैंने दिखाया. और इसमें देखो इसी तरह की इसी साइज़ के चंक्स आए हैं, तो ये मत बोलना आपने छोटे चंक दिए, ये दिए वो दिए, जो चंक आया है वही दिखा रही हूँ जो स्टॉक आया है. बैग तो अभी मैंने खोला है, देखो हमारा सारा स्टॉक एक ही जगह का है फिलहाल, ठीक है. और देखो बैग से भी कुछ मतलब नहीं है, अगर स्टॉक अच्छा मिलना है तो कोई भी बैग ले लो अच्छा मिलेगा, अगर स्टॉक खराब मिलना है तो कितनी अच्छे से अच्छी बैग ले लो खराब ही मिलने वाला है. डिपेंड करता है कि आपका नसीब क्या है, आपका सेलर सप्लायर कैसे हैं, है ना. और टच वुड हमारे सप्लायर बहुत अच्छे हैं, अच्छा स्टॉक देते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी कुछ आगे पीछे होता है तो हम लोग भी एडजस्ट कर लेते हैं, राइट. सो होता रहता है, क्ले है, क्योंकि क्ले का कोई भी गारंटी ले सकता है. क्या सिंपल चीज़ बताओ, क्ले बनती मतलब क्ले जो है ये आती खदानों में से है, ठीक है. सारा खदानों को खोद खोद के नीचे से निकालते हैं, लेयर्स दिख रही है आपको, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं होते एक के ऊपर एक लेयर्स बनते, उस तरह के रॉक्स मतलब जो है खोद खोद के पूरा नीचे तक पूरा जाता है, खदान में चला जाता है, और फिर क्ले निकाली जाती है एकदम रॉ फॉर्म में. फिर उसमें क्या क्या है कोई नहीं बता सकता, उसका टेस्ट क्या है कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये एक स्पेशल जगह से ही मिलती है. ये नहीं कि सब जगह से आप खोदना स्टार्ट करो तो नाकूमट मिल जाएगा, नो, स्पेशली गुजरात का ही क्ले होता है सारा. वैसे महाराष्ट्र में भी होता है, पर सब सप्लायर का, सब जगह का, हर एक ज़मीन का क्ले का टेस्ट अलग है, और ये नेचुरल है, ठीक है. और फिर उसको रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं तो अलग 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 बनता रहता है, और ये बटर ग्रे की क्वालिटी है,
तो एक बार ट्राई जिसको करना हो डेफिनेटली करना, ये लिमिटेड स्टॉक ही है मेरे पास। चलो अब एक और चीज़ दिखाते हैं। दिस इज डबल रोस्टेड बटर वे, ठीक है। शाइन देखो, चमक देखो, इससे आपको समझ आ रहा होगा स्टॉक कितना अच्छा और क्लीन है। और ये ज़्यादा रोस्ट हुआ रहता है नॉर्मल बटर वे के कंपेयर में, इसलिए इसका नाम है डबल रोस्टेड बटर वे। इसमें ट्रिपल रोस्टेड डबल रोस्टेड दोनों मिक्स ही है, ठीक है। इसमें भी छोटे बड़े चंक मिक्स ही आए हैं। तो अगर आप लोग मांगोगे कि सिर्फ बड़े दो, सिर्फ छोटे दो, ऐसा नहीं होगा। जो जैसा आया है वो मैं वैसा ही सेल करती हूँ बाबा। देखो मुझे अगर लेना ही है तो लोकल क्लेज मुझे भी ऑफर होती रहती है। बहुत सारे सेलर, बड़े बड़े सप्लायर मुझे भी कांटेक्ट करते हैं कि हमारी क्ले एक बार ट्राई करिए, हमारा सेल करिए, ये वो। पर मैं नहीं ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि जिससे मैं लेती हूँ वो मुझे अपने हिसाब से, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा बना के दे देते, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं किसी और से नहीं लेती हूँ। और मुझे भी सस्ते के लिए ऑफ़र होते हैं पर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे रिव्यू, कितने अच्छे अच्छे रिव्यू कब मिलते हैं, जब हम सच में जेन्युइनली अच्छी क्लेज देते हैं, क्वालिटी अच्छी देते हैं, तभी मिलते हैं ना। हाँ, गारंटी इतना भी 100% का तो कोई नहीं ले सकता क्ले का, क्योंकि क्ले है इसमें कुछ कोई बता ही नहीं सकता। बस आप शाइन देखो, आपको पता चल जाएगा कितना नॉन डस्टी स्टॉक है, ठीक है। ये भी मैंने लिमिटेड ही मंगवाया है फिलहाल। अच्छा चलेगा, अच्छा जाएगा तो फिर इसका भी स्टॉक हम लोग बढ़ा के लेंगे, ठीक है। इसमें देखो ऐसा एक रेड चंक भी आ गया, पिंक वाला। तो अलग अलग सारा चीज़ें, इतनी क्लेज, इतनी वैरायटीज, इतने सबके टेस्ट अलग 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 अलग, हर एक का टेस्ट अपना अलग है, है ना। किसी को हार्ड चाहिए, किसी को सॉफ्ट चाहिए। ये भी रेड एंड येलो बटर ग्रे से कम हार्ड है, ठीक है। क्रंची तो ये भी बहुत है, मस्त है, मज़ेदार है, गम में बिल्कुल फील नहीं होता, ना पिंक ग्रे ना डबल रोस्टेड बटर ग्रे। ये भी डबल रोस्टेड बटर ग्रे का ही चंक है। अभी आपको ये कलर देखो दिख रहा है, अभी मैं नॉर्मल बटर ग्रे दिखाती हूँ। ये देखो, ये है नॉर्मल बटर ग्रे अपनी, जिसमें आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये सिंगल रोस्ट होती है और ये डबल रोस्ट होती है। कलर का डिफरेंस देखो, साफ दिख रहा है, दिख रहा है आपको। देखो एक एक चंक लेके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये डबल रोस्टेड है, ये सिंगल रोस्टेड है, दिख रहा है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग है, ठीक है। किसी को भी कुछ भी बोल के और कुछ भी नहीं चिपका देते हम लोग, ठीक है। मतलब किसी को भी कुछ भी येड़ा और बेवकूफ नहीं बनाते। हमारे पास उतना स्टॉक है, अलग अलग वेराइटीज है, जेन्युइनली है, ठीक है। और इसमें ना क्रम्बल्स, अभी ये बैग खाली हो रहा है ना, तो क्रम्बल्स हो रहे हैं। तो अगर किसी को बटर ग्रे की क्रम्बल्स चाहिए तो देखो क्रम्बल्स कैसे मिलेंगे बताओ। थोड़ा और खाली हो जाने दो, फिर मैं इसकी ऑफ़र लगा दूँगी। वैसे मैंने लगाई थी, ये साइज़ में मिलेंगे क्रम्बल्स, वैसे भी इतने ही होते, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए ये साइज़ के क्रम्बल्स मिल जाएंगे, और ऑफ़र रेट जो है व्हाट्सएप पर मैं लगा दूँगी, ठीक है। तो ये है अपनी नॉर्मल बटर ग्रे, ठीक है। देखो कितना अच्छा स्टॉक है ना इसका भी। अपने पास सारे बटर ग्रे हैं, रेड येलो बटर ग्रे भी हैं। सबसे हार्ड और क्रंची रेड एंड येलो बटर ग्रे, ठीक है। उसके बाद डबल रोस्टेड और पिंक, और देन नॉर्मल ये वाली बटर ग्रे है, और फाफड़ा बटर ग्रे भी है। तो टोटल 6 वेराइटी है बटर ग्रे की। तो आई होप कि आपको समझा होगा, ठीक है। और देखो मैंने पुराने जो वीडियोस डाले हैं ना उसके रेट अलग है, और अभी जो वीडियोस हैं उसमें रेट अलग है। तो टाइम के साथ थोड़ा सा रेट बढ़ता है, क्ले के रेट सामने से बढ़ के आएंगे तो मैं कैसे, क्या लॉस में बेचूंगी? नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं बेच सकती, खुद का लॉस कौन करता है? कोई भी नहीं करता है, कॉमन सेंस की बात है। सब अपना प्रॉफिट ही करते, कोई लॉस नहीं करता। देखो कोई खुद का लॉस नहीं करता, ठीक है। आज के ज़माने में सब लोग शाणे हैं, सब लोग शार्प हैं, ठीक है। बेवकूफ़ अगर आपको बनना है तो बिल्कुल बनो, लेकिन आज के ज़माने में कोई अपना लॉस नहीं करता, किसी को इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो है इस काम में, लेकिन मगजमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉफिट से ज़्यादा बहुत हेडेक है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है,
और जिसका ऑन टाइम काम है मेरी तरह, जो ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हेडेक है करके। ठीक है, ये देखो लेयर्स पे लेयर्स, मस्त है, क्रंची वाला है और फ्रेशली रोस्टेड है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो जिसको भी पसंद है डबल रोस्टेड बटर के, एक बार ज़रूर ट्राई करना। हाँ, और ये नया 15 के कॉम्बो जो हमने निकाला, मतलब रेट भी उसका मैंने अच्छा ही रखा है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। देखो जिस चीज़ से मेरी अर्निंग है मैं उस चीज़ के ऊपर झूठ बोलूँगी तो काम में बरकत नहीं आती, ऊपर वाला भी देखता है, सब कुछ देखता है। ठीक है, तो 15 के कॉम्बो मेरा रेट है, ठीक है, लेकिन लोग लेने वाले लेते हैं क्योंकि जिन्होंने ट्राई नहीं किया है उनके लिए बहुत अच्छा पड़ता है और उनको सारे क्लेस ट्राई करने मिलते हैं। उसमें मेहनत है, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत है उस कॉम्बो को बनाने में, तो इसकी वजह से उसका रेट है, बाकी कुछ नहीं। छोटी छोटी इतनी सारी बैग्स यूज होती है, ये वो सब कुछ। स्टिल थैंक यू वेरी मच जिन्होंने 15 के कॉम्बो खरीदा है, बहुत अच्छा जा रहा है वो, बहुत अच्छा सच में। मतलब एवरीडे समझ लो दो पार्सल तो 15 के कॉम्बो के होते ही होते, दो से तीन, तो इतना अच्छा जा रहा है टचवुड 15 के कॉम्बो, और इतना अच्छा मैंने रेट रखा है, स्टिल लोग लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अभी इसमें जो आपने छोटे छोटे सैंपल दिए हैं, ऐसे क्या मुझे खाली दो मिलेंगे, मुझे 100 रुपये के मिलेंगे, मुझे 50 रुपये के मिलेंगे। तो एक बात बताओ, आप लोग क्या कोई रोड से दुकान से खरीद रहे हो क्या? ये ऑनलाइन काम है यार, ऑनलाइन आपके घर तक पार्सल आ रहा है, शिपिंग चार्जेस लगते हैं, बॉक्स लगते हैं, कितनी बार वीडियो में बताए, प्री पेमेंट ऑप्शन ही है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तो भी चिंदीगिरी करके मतलब अपने दिखाना ही है कि हाँ भाई हम चिंदी कस्टमर हैं। ठीक है, पैसों के इशू होते हैं, लेकिन जिनको रेट जमता है ना वो लोग लेते हैं, जिनको नहीं जमता है, जिसका चलो इशू है कुछ, उसको मतलब प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस का दिक्कत है, वो लोग मगजमारी नहीं करते, ठीक है मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, नेक्स्ट टाइम लूँगी, बस ऐसा बोल के निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग चिंदीगिरी करने में ऐसे बाज ही नहीं आते हैं, ये तो इतने में हो ही नहीं सकता, आप तो इतने में दे नहीं रही हो, आप तो ऐसा दे रही हो, आप तो महंगा दे रही हो, कॉमेंट में भी उल जुलूल लिख के चले जाना है। अरे भाई मेरी चैनल है, मैं तुम्हारा क्यों सुनूंगी? तो प्लीज़ अपना कमेंट में अगर आपको कोई राय देनी है, कुछ भी देना है, अच्छे से लिखो ना। आप लोग तो ऐसा मतलब आते हो जैसे कि तुम्हारे किसी का चैनल है और तुम मेरे पे थोप रहे हो कि ऐसा तो करना चाहिए वैसा, तो क्यों करूँ भाई, मैं क्यों मानूँ तुम्हारी बात? चैनल तो तुम्हारी है नहीं, मेरी चैनल है, मैं करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा, राइट? हाँ, मैं आज की डेट में खाती हूँ, क्रंच करती हूँ, बट लिमिट में, मैं उतना ज़्यादा कभी कंज्यूम नहीं करती हूँ, और किसी को बोलती भी नहीं हूँ कि बहुत भर भर के खाओ, सबको इसको लिमिट में ही क्रंच करना है और फॉर क्रंच ही करना है, ये नहीं कि आपको दो दो किलो तीन तीन किलो पेट भरने के लिए खा लेना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कमेंट में भी, कमेंट सेक्शन ऑन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी उलझुल लिखोगे, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के अच्छे से लिखो, और आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, रिव्यूज़ भी मैं डालती हूँ ताकि लोग देखे समझे। तो अब रिव्यूज़ के ऊपर मैं क्या प्रूफ करूँ? कस्टमर्स का नाम, सबको अपनी आइडेंटिटी हाइडी करनी होती है, कोई कस्टमर नहीं बोलता कि मेरा नाम दिखा के, मतलब कोई प्राउड वाली बात नहीं है ये, मेरा नाम दिखा के डालो, डेट टाइम ये सब कुछ मेंशन करूँ, आपके लिए प्रूफ करूँ, क्या मिलेगा बदले में? है कुछ भी बोल देते हो यार, बहुत अनएथिकल लोग हैं, बहुत दिमाग सड़ाने वाले लोग हैं, मिलते ही रहते, कोई ना कोई एक अजीब सा इंसान मिलता ही रहता है। ठीक है, कोई नहीं, ऑनलाइन वर्ल्ड है, अच्छे लोग बुरे लोग सब मिलेंगे, अच्छे मिले हैं तो बुरे भी आएंगे, राइट? एंड थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो भी फेसबुक से है उनको भी थैंक यू, इंस्टाग्राम वालों को भी थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये सारे डिफरेंसेस देख के समझ आ रहा होगा, पता चल रहा होगा, इसलिए मैं इस तरह के वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, और इसमें भी फाफड़ा बटर ग्रेवी है, ठीक है, रेड येल्लो बटर ग्रेवी है, और जिनको लेना है वही लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो, स्क्रीन पे नंबर साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है,